क्या कुछ करता हूँ जिन सेम मुताबे की खास खबर में आपका स्वागत है और आज की खबर है खेल जगत से। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के साइकिलिंग वेलोड्रोम में 14 से 16 सितंबर तक हुए साइकिलिंग ट्रैक एशिया कप में भारत के साइकिलिस्टों ने शानदार प्रदर्शन किया। भारत एशिया कप के एशिया की 12 टीमों ने हिस्सा लिया। इससे पहले हुए एशिया कप में 11 देशों ने भाग लिया था। 2016 के इस एशिया कप में पाकिस्तान की साइकिलिंग टीम ने विशेष तौर पर भाग लिया। 2016 एशिया कप साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का तीजा एडिशन जिहड़ा असीं 2013 शुरू किया, 16 च पहुँच गए। तरक्की भी हो रही है, मैडल भी आ रहे हैं, बच्चों की परफॉर्मेंस भी अच्छी हैगी। पहले साल 4 टीम से 5 टीम से अगले साल 10 हो गया 13 टीम, तो ये दसदा है भी एशिया के बच्चे किन्ने पॉपुलर होंगे। बच्चा जूनियर बच्चे जिन्हों का साड़ा कंसनट्रेशन है वो बिल्कुल अच्छा कर रहे, साड़ी एक्सपैक्टेशन का सामना कर रहे हैं। तो ये कोचेज स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक जॉइंट एफर्ट है, सारे रल के एक समझिए कि साडा मंशा है भी 20 ओलंपिक तक असं कितने पहुंचिए। तो सारी मंशा लैके सारी चीज़ चल रही है और अच्छी सपोर्ट मिल रही है हर पास, बच्चे अच्छा कर रहे हैं। मैं समझता ये असं सफल। इस एशिया कप में भारतीय महिला खिलाड़ी डेबोरा ने 3 स्वर्ण पदक और 1 चांदी का पदक जीता। संवाददाता से बात करते हुए डेबोरा ने बताया कि उनके खेल में आगे से काफी सुधार आया है और अगर भारतीय सरकार उनकी खेल को इसी तरह से अपना योगदान दे तो वो भारतीय देश के लिए और भी मेडल जीत सकती है। हाँ, मेरा नाम डेबोरा है, मैं अंडमान निकोबार से आया था और मैं इधर ट्रैक एशिया कप, मतलब मैं इधर ट्रैक एशिया कप के लिए मेरा जो सपना था और मैं हुई पूरी कोशिश करेगा जो 1000 गोल्ड मेडल लेकर आया। और अभी जो मेरा टारगेट है एशियन चैम्पियनशिप नेक्स्ट फरवरी पे, और मेरा जो रोज सपना है वो ओलंपिक 2020 है और वो मेरा टारगेट है। इस बार जो आप परफॉर्मेंस आप इससे आप संतुष्ट हो, जो इस बार परफॉर्मेंस आप क्या है? पिछला साल जो ट्रैक ऐसा हुआ था तो इस साल में जो एक टीम नहीं आया उसमें वो कोरिया टीम नहीं आया, इसलिए थोड़ा टफ नहीं है तो मेरे को इजी लग रहा है, लाइक फिर भी मैं खुश हो रहा है। आने वाला कौन सा कंपटीशन आपका? अभी एशियन चैंपियनशिप नेक्स्ट दिल्ली में। गौरतलब है कि यूसीआई की पिछले महीने की श्रेणियों में भारतीय साइकिलिंग जूनियर वर्ग ने विश्व की पहली 10 टीमों में अपना स्थान बनाया। यह भारतीय साइकिलिंग के इतिहास में पहली बार हुआ कि भारतीय साइकिलिंग टीम ने यह श्रेणी हासिल की। मिस्टर अमर सिंह एंड अर्जुन अवार्डी एंड हाई परफॉर्मेंस एडवाइजर एंड कोच फॉर साइकिलिंग अपॉइंटमेंट बाय बोर्ड ऑफ इंडिया एंड कमिंग मंथ ऑफ मई फ्रॉम कोलकाता फॉर इंडिया साइकिलिंग एकेडमी। इंडियन टीम हैज डन वेरी वेल इन द कंपटीशन एंड देयर इज अ बिग इंप्रूवमेंट फ्रॉम द टाइमिंग व्हिच वी हैड अचीव्ड एंड वी आर वेरी होपफुल बाय नेक्स्ट एशियन चैंपियनशिप व्हिच इज बीइंग हेल्ड इन फेब्रुवरी 6th to 10th February 2017, our cyclists are likely to dominate in the competition in all the very very big difference. And in our days the cycling equipment were not available, now this equipment which has been, it's a world class facility which has been provided. I don't think anywhere in the world this facility is existing for this cycling sport. ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋ ਸਭ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਲੰਪਿਕਸ ਖੇਡਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਡੀਅਨ ਦੇ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ? 4 to 6 cyclists should qualify for the Olympics of 2020. They are very potential young cyclists who are coming up and hopefully they will qualify for the 2020. Glasgow ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਚੈਂਪੀਅਨਸ਼ਿਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਈਕਲਿੰਗ ਟੀਮ ਹਿੱਸਾ ਲਏਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ? I think 4 to 6 cyclists should qualify for that championship. Not more. ਕਿਆ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਮੈਡਲ ਆਉਣ ਚਾਂਸਸ ਨੇ? I won't say that medal will come, but the exposure will be, the children will get the exposure, and even if they rank with 4th, 6th place, it will be very good places for the cyclists. ਕੋ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਸਾਈਕਲਿਸਟ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ, ਬਿਗਨਰ ਸਾਈਕਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? They will have to work hard and get into the cycling sport in such a way that proper trainings are continued in every state, and there's very hope that will make the biggest base for the cycling sport, and then you can get the quality out of it when they reach to the top. ये थे अब तक के कुछ खास समाचार। नए और ताजे खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।